आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आपकी राशि के अनुसार कौन सा पौधा है जो आपको गमले में लगाना चाहिए और आपके मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है कि आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी दबा दीजिए मित्रों, और ऑल पर क्लिक करिए जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा मित्रों आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार स्नेह और आशीर्वाद आप बनाए रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद आपसे करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि से प्रारंभ करती हूँ कि मेष राशि के जातकों को कौन सा पौधा लगाना चाहिए जो उनके लिए बहुत शुभ हो और उनको पनपाने में मदद करे और धन के सोर्सेज उनके घर में आए, बहुत ज़्यादा धन वृद्धि उनकी हो, ऐसा उनके घर का माहौल हो। तो आइए मेष राशि के जातकों को बताती हूँ। जिनकी भी मेष राशि होती है उनके लिए रेड कलर बहुत लकी होता है। रेड कलर के छोटे छोटे या बड़े बड़े फूलों वाले पौधे जो आसानी से गमले में लग सकें उनको लगाने चाहिए। लाल रंग के पौधे के साथ साथ अगर वो गमले पर भी रेड पेंट कर देते हैं तो उनके घर में पॉजिटिविटी आती है और धन का आगमन होने लगता है और वो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन मतलब निष्क्रियता नहीं, सक्रियता ज़रूरी है। अगर मेहनती हैं आप तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन निष्क्रिय हैं तो मतलब मुश्किल आएगी और धन वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो मेहनती बने और सफल होएं। सफलता ज़िंदगी में अवश्य आती है अगर मेहनती होता है इंसान। वृषभ राशि की बात करती हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए पपीते का पौधा बहुत ही लकी होता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। चमेली के बेल भी उनके लिए शुभ होती है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए मनी प्लांट बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा बिना जिसमें फूल नहीं आते हों ऐसे पौधे उनके लिए शुभ रहते हैं। तो क्रोटन आप लगा सकते हैं अगर आप उनको शुभ मानते हैं और उनके लिए इनके लिए अच्छे भी रहते हैं। छोटे पत्तेदार पौधे आप लगा सकते हैं मिथुन राशि वाले। वृषभ राशि वाले सफ़ेद पेंट गमले पे करें और मिथुन राशि वाले हरा पेंट गमले पे करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आर्थिक उन्नति उनकी होती है। जिन लोगों की कर्क राशि है उनके लिए पलाश का पौधा बहुत अच्छा रहता है। किसी भी सफ़ेद फूल वाले पौधे को वो अपने आंगन में लगा सकते हैं और गमले पे भी पीला पेंट करें या सफ़ेद पेंट करें या लाल पेंट करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी का पौधा तो 12 की 12 राशियों वाले लगाना चाहिए, जिनको मतलब उनको लगाना चाहिए। लेकिन खिरनी का पौधा भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहता है। मदार का पौधा भी सभी लोग लगा सकते हैं, विशेष रूप से तंत्र बाधा की निवृत्ति के लिए, शत्रु बाधा की निवृत्ति के लिए मदार का पौधा। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है और इनको मदार का पौधा लगाना चाहिए। इनको केसरिया कलर या पर्पल कलर गमले पे पेंट करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए अपामार्ग का पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। एलोवेरा का पौधा भी उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है और गमले पे हरा पेंट करें तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम बहुत ही जल्दी मिलने लगते हैं। तुला राशि वालों के लिए सफ़ेद पुष्प के पौधे अच्छे रहते हैं। चमेली का पुष्प भी उनके लिए लकी रहता है तो इस रंग के पौधे लगाएं, गमले पे भी सफ़ेद रंग का पेंट करें। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको अनंत मूल का पौधा लगाना चाहिए। किसी भी लाल रंग के पुष्प को वो शोभायमान कर सकते हैं अपने आंगन में, लेकिन लाल और मैरून कलर गमले पे लगाएं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए पीले रंग के फूल बहुत अच्छे रहते हैं तो किसी भी पीले रंग के पुष्प को अपने आंगन में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गमले के ऊपर भी उनको पीला या ऑरेंज कलर पेंट कर देना चाहिए। इसके अलावा वज्रदंती का प्लांट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। केले का प्लांट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। केले का प्लांट ही ऐसा है कि धनु और मीन राशि वाले अपने आंगन में लगा सकते हैं। मकर राशि वालों को श्वेत रंग के पुष्प अपने आंगन में लगाने चाहिए या ऐसे पौधे लगाना चाहिए जिनके अंदर कांटे हो।
कैक्टस भी अपने आंगन में लगा सकते हैं क्योंकि शनि को कांटेदार पौधे पसंद हैं। इसके अलावा उनको नीले पुष्प वाले पौधे भी लगाने चाहिए। गमले पर नीला या काला पेंट करें या सफ़ेद पेंट करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और उनकी किस्मत भी बहुत जल्दी चमकेगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनमें पुष्प नहीं आते हों, मतलब बिना पुष्प वाले पौधे उनको लगाने चाहिए, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनकी मीन राशि है उनको अपने आंगन में वज्रदंती का प्लांट लगाना चाहिए या पीले रंग के प्लांट लगाने चाहिए। जिनके फूलों का रंग पीला हो ये इनको बहुत ज़्यादा लकी रहते हैं और बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। गमले पे भी पीले रंग का प्लांट मतलब पेंट लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे दूसरे चैनल जो कि रेकी से संबंधित है उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्या पता शेयर करने से किसी का भला हो जाए। और सबका भला करना अच्छी बात है मित्रों, तो आप सबका भला करिए जिससे आपका भी भला होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।